हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 7, थाईलैंड की गुफा। इस चैप्टर में उन्होंने, लेखक ने बताया है कि मनुष्य को यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। कई बार मनुष्य मौसम और जगह का अनुमान लगाए बिना अनजान जगह पर चले जाते हैं, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। इस पाठ से जिंदगी और मौत के बीच फंसी घटना का वर्णन किया है। थाईलैंड की फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ टैमलुंग गुफा देखने गई। जिस समय गुफा में प्रवेश किया, मौसम साफ था। उनको यह नहीं पता था कि कुछ समय बाद मुसीबत में हम फंसने वाले हैं। गुफा में दाखिल होते ही मौसम बदलने लगा। 200 मीटर का रास्ता सूखा था, उसके बाद सकरा रास्ता था। एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता था। खिलाड़ी 4 किलोमीटर तक अंदर जा चुके थे। तभी गुफा के बाहर तेज बारिश हुई और पानी गुफा में भरने लगा। कुछ खिलाड़ी तैरना नहीं जानते थे। गुफा से बाहर आने का एक ही रास्ता था। 9 दिन तक गुफा में फंसे कुछ खिलाड़ी कोई एक एक भी झलक दिखाई नहीं देती थी। कोई खबर भी नहीं मिल पा रही थी कि वो जीवित हैं या नहीं। खिलाड़ियों की खबर के लिए दुनिया भर की मीडिया ने प्राथमिकता दी। पूरा विश्व दुआ कर रहा था। ब्रिटेन के गुफा विशेषज्ञ जान वॉलिथन को सरकार ने इनको बुलाया। गुफा में फंसे लोगों का को संपर्क 9 दिन के बाद हो सका। 9 दिन बाद पहली बार खाना और दवाई मिली। इस बचाव कार्य में सील कमांडो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस अभियान में थाईलैंड नेवी सीलम और 50 गोताखोरों ने 12 खिलाड़ी और उनके कोच को बाहर निकाला। परंतु इस अभियान में एक नेवी गोताखोर समन गुनान की मृत्यु हो गई। इस बचाव कार्य को चमत्कार का नाम दिया गया। तो आप इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत शॉर्ट आंसर मिलेंगे। वीडियो भी अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी इसको आपको आंसर मिल पाएंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्द और शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, क्योंकि अब आपका हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट हो गया है। इसके माध्यम से छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छी तरीके से करिएगा, जिससे कि आप पेपर में सॉल्व कर सकें। ओके।